ने के दो बड़े इवेंट, एक तहरान मस्जिद का जुम्मा और दूसरा हज। हज और तहरान का जो जुम्मा है, जब हम उसमें मुआजना करते हैं तो तहरान के जुम्मे में इमाम ने इंडिया को वार्न किया कश्मीर के हवाले से कि वो कश्मीर पर मजालिम बंद करें, लेकिन हज के खुतबे में इमाम काबा ने ना कश्मीर का नाम लिया ना फलस्तीन के मजलूमों की बात की। हम एक अरसे से कहते हुए आ रहे हैं कि इमाम काबा काबे का इमाम नहीं बल्कि बिन सलमान का जाती मुलाजिम है और वो वही करता है जो उसको बिन सलमान इंस्ट्रक्शन देता है और बिन सलमान वही करता है जो उसको अमरीका इंस्ट्रक्शन देता है। हज सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि एक सियासी इवेंट भी है, इसीलिए सूरह तौबा कुरान में अल्लाह ताला सूरह तौबा में कहता है कि हबीब हज अकबर के दिन मुशरकों से अपनी नफरत का इजहार कर दो। कितना अफसोस है कि इतना पैसा खर्च करके पूरी दुनिया से उम्मत मुसलमान हज पर जाती है ये खुतबा सुनने के लिए कि वहां वो मसाइल बयान किए जो महल्ले के मस्जिद का मौलवी बयान करता है, ना वहां कश्मीर पे बात होती है ना फलस्तीन पे बात होती है। उम्मत मुसलमा को बेदार होना चाहिए और इमाम काबा को वहां होना चाहिए, ना कि बिन सलमान के जाती मुलाजिम को।